सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये कान मास्टर का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर मैंने कान मास्टर के काफ़ी सारे फीचर के बारे में बताया है कि आप कान मास्टर का कैसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कान मास्टर के बारे में कुछ ऐसे फीचर बताए थे जो लोगों को बिल्कुल पता नहीं होते, जो कान मास्टर का यूज़ करना बिल्कुल नहीं जानते। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है, उसके बाद दोस्तों आपको ये वाली वीडियो देखनी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो को आगे देखो, उसके बाद दोस्तों आपको ये वाली वीडियो देखनी है, क्योंकि दोस्तों ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट को देखोगे तो आपको वीडियो अच्छे समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आपको पहले पहला पार्ट देखना है, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट देखना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आपको कान मास्टर को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और मैं आपको कान मास्टर के और नए नए फीचर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कान मास्टर को ओपन कर सकते हो, कैसे आप उसमें वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो और कैसे आप वीडियो में कटिंग कर सकते हो, और दोस्तों कैसे आप उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको उसके आगे का डिटेल में बताऊँगा कि कान मास्टर में और क्या क्या फीचर हैं और आप अपनी वीडियो में क्या क्या फीचर एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों, जब भी हम किसी वीडियो पर काम करते हैं और उस वीडियो को काम करके छोड़ देते हैं तो वो वीडियो हमारी साइड में आने लगती हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए कोई वीडियो आपको उठा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ उठा के। अगर आप इस प्लस पर क्लिक करोगे फिर से तो यहाँ से आपका नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको काम करना उसी प्रोजेक्ट पर जिस पे आपने पहले किया था। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर वो वीडियो आ जाएंगी जिस पर आपने काम किया था। जैसे कि मान के चलो आपने कल या दो घंटे पहले कोई काम किया है और अभी आप उसी पे कोई काम करना चाहते हो तो आपकी वो वीडियो वहाँ पे आ जाएगी हिस्ट्री में। तो एग्जांपल के दोस्तों, मैं इसी वीडियो को उठा के दिखा देता हूँ आपको। तो मैं जुबाई ले लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पेंसिल पे क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए, हमारी वीडियो आ गई जिस पर हमने इससे पहले कभी काम किया होगा। दोस्तों, मैंने आपको इसमें बताया था कि कटिंग कैसे करते हैं, वीडियो को जूम कैसे करते हैं, और दोस्तों वीडियो में जो बीच में जो पार्ट ख़राब होता है उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना मैंने आपको इससे पहले पार्ट बताया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग अपनी वीडियो में फिल्टर लगा लेते हैं, यानी कलर चेंज कर लेते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वीडियो सेलेक्ट करना होगा, तो आपको वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने का दोस्तों देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कलर फिल्टर का। आपको कलर फिल्टर पे आना है और यहाँ देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी इसमें कलर लगा सकते हो। ये देखिए, जैसे कि इसमें मैं सिलेक्ट किया, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो देखिए, मैं इस पर देखिए, देखिए यहाँ पे दोस्तों कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए, अब मैं कोई भी लगा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। अब ओके कर दोगे तो आपकी वीडियो, आपकी पूरी वीडियो में कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और आप ऊपर पेज से ही ऊपर वाले मेनू से ही दोस्तों आपने देखा कि वीडियो में कलर चेंज हो चुका है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी वीडियो में लेयर कैसे लगा सकते हो। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊँ लेयर होता क्या है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कभी वीडियो में कि जब कोई वीडियो बना रहा होता है तो उसकी वीडियो में साइड में एक और वीडियो चल रही होती है जिसमें वो मोबाइल के बारे में कुछ बता रहा होता है या कोई फ़ोटो साइड में आ जाता है, वीडियो साइड में इस साइड में कहीं फ़ोटो आ जाता है, तो वो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेयर पे जाना है। जो ऑप्शन आ रहा है देखिए दोस्तों लेयर का, आपको इसमें जाना है। लेयर पे जाने के बाद दोस्तों, आपको सबसे ऊपर जो मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, मीडिया लिखा हुआ है, आपको इस पर जाना है। और दोस्तों, इतना करने के बाद आपको जो भी फ़ोटो या वीडियो अपनी इस वीडियो पर लगानी है आपको सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों, मैं आपको कोई फ़ोटो लगा कर दिखाता हूँ। देखिए, ये फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ आने के बाद दोस्तों देखिए, आपको इसे छोटा बड़ा कर लेना है, जैसे आपको करना है छोटा या बड़ा। तो इससे एरो को खींच कर आप इसे बड़ा कर सकते हो, इससे छोटा कर सकते हो। इसको घुमाना है दोस्तों, तो आपको ऊपर वाले एरो से इसे घुमाना है ऐसे।
और इसको आओ। और दोस्तों अगर इसमें आपको कोई कटिंग करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है, देखिए इधर और ये क्रोपिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर देना है, देखिए, और इसे यहाँ से ओके कर देना है। दोस्तों देखिए हमारा ये फ़ोटो छोटा हो चुका है, यानी कट हो गया, अब इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अब इसे ओके कर दो, अब जहाँ भी इसे रखोगे वहीं से चला जाएगा। देखिए मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए साइड में आ रहा है। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि जब भी कोई फ़ोटो वीडियो में अचानक से आता है तो वो कुछ एनिमेशन के साथ आता है, तो एनिमेशन फ़ोटो में कैसे डालते हैं तो मैं बताता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, अभी आपने फ़ोटो सेलेक्ट किया था उस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इन एनिमेशन आ रहा है कि जब फ़ोटो आपके वीडियो में एकदम से आएगा तब आपको एनिमेशन चाहिए या ओवरऑल चाहिए। ओवरऑल मतलब जब तक फ़ोटो इस वीडियो में रहेगा तब तक उस पर एनिमेशन चाहिए। और ये दोस्तों आउट एनिमेशन, यानी कि जब भी फ़ोटो यहाँ से जाने टाइम हो जाएगा फ़ोटो का तब आपको एनिमेशन चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ओवरऑल पर करके दिखाता हूँ क्योंकि सब में सेम ही फीचर होते हैं। तो दोस्तों देखिए ब्लिंक स्लो, यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फ़ोटो क्या है दोस्तों ऐसे होगा, ऐसे भी इसमें दिखाया जा रहा है ऐसे। दोस्तों इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप जो भी अपनी पसंद से लगा सकते हो। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोटो में एनिमेशन लगा सकते हो। दोस्तों आपने देखा होगा कि वीडियो में कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है, जैसे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लिखा हुआ आता है तो वो कैसे लिखते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, लेयर पर जाना है और दोस्तों देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट का, टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको जो भी लिखना है यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सिर्फ वीडियो, ओके कर देना है। अब इसे छोटा बड़ा कर लेना है। अब दोस्तों देखिए इसका कलर आपको चेंज करना है तो चेंज कैसे करते हैं, अभी ये आपका सिलेक्ट है तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो बॉक्स आ रहा है वाइट कलर का तो इसमें अभी वाइट कलर सेलेक्ट है तो आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करना है। और आप जो भी कलर लगाना चाहते हो, ब्लैक, रेड, वाइट, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं रेड लगाता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसका कलर रेड हो चुका है। इसको अगर आप दोस्तों अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट, तो आपको इस फॉन्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे फॉन्ट आ रहे हैं तो मैं कोई भी ले लेता हूँ एक। तो दोस्तों देखिए ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। अब दोस्तों इसमें आपको कोई एनिमेशन लगाना है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कैसे लगाते हैं, इनमें जाके आप लगा सकते हो। इसके अगर दोस्तों आपको आउटलाइन लगानी है, यानी कि जो रेड कलर है इसके चारों तरफ कोई और कलर हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो, आउटलाइन पर क्लिक करके कोई भी कलर ले सकते हो उसे ओके करके। दोस्तों अभी इस पर ब्लैक है तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से कोई और कलर लगाना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे वाइट लगा देता हूँ। अब दोस्तों देखिए जो आउट कलर है इसका आउटलाइन है दोस्तों, आपको आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ +15, तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो देखिए। और जो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस पर ओके कर देना है, तो जो हो चुका है। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि आपके बहुत सी वीडियो में दोस्तों उसके बैकग्राउंड में स्लोली स्लोली म्यूजिक बजता है, यानी कि सॉन्ग होता है वो बजता है, आपको सॉन्ग सुनाई देता है स्लोली स्लोली आवाज़ में, तो वो कैसे लगाते हैं वीडियो में। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, आपको ऑडियो पर क्लिक करना है और जिस जगह पर भी आपको साउंड रखा हुआ है, देखिए दोस्तों एल्बम में मैं जाता हूँ और जहाँ पे भी आपका जो सॉन्ग है जो आप लगाना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है ओके करके और प्लस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस पर क्लिक करोगे साउंड आपको नीचे आ जाएगा, देखिए दोस्तों, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको सुना के दिखाता हूँ कि जिसका हम पता लगाना चाहते हैं उसके मैसेज हमारे बॉक्स में डले होते हैं, देखिए हम रीड करना नहीं चाहते। अब दोस्तों इसमें आवाज़ दोनों की बराबर आ रही है, सॉन्ग की भी और वीडियो की भी, तो आपको ये सॉन्ग की आवाज़ कैसे कम करनी है मैं आपको बताता हूँ, आपको इसे पहले रोकना है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप सॉन्ग की आवाज़ कैसे कम कर सकते हो। दोस्तों आपको सॉन्ग पर क्लिक करना है, सॉन्ग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये ऑडियो का जो
निशान बना हुआ आ रहा है, ये ऑडियो का लोगो बना हुआ आ रहा है दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसकी ऑडियो को कम कर देना है। आप इसकी ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10 पर कर सकते हो, 9-10 पर, और इसे ओके कर दो। अब देखिए दोस्तों, कंडीशन में मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप दोस्तों ऊपर से पता लगा अब हुए। काफ़ी कम आवाज़ आ रही है दोस्तों, आपके डले हुए हैं सॉन्ग की, काफ़ी कम आवाज़ आ रही है दोस्तों। अब जो इसमें मैच कर रहा है, अगर आपको, अगर आप किसी भी सॉन्ग को सिलेक्ट करके ऐसे ही लगा दोगे तो सॉन्ग की आवाज़ तेज़ होगी, इधर आप जो बोल रहे हो वीडियो में उसकी आवाज़ तेज़ होगी, तो वो वीडियो में फिर क्वालिटी नहीं आएगी, तो दोस्तों दोनों की आवाज़ मिक्स होकर सुनाई देगी देखने वाले को। तो आप इस तरीके से दोस्तों अपने सॉन्ग की साउंड को कम कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए, दोस्तों आप चाहते हो कि आपको थंबनेल में इसी में से कोई फ़ोटो लगाना है अपनी वीडियो में से ही, तो आप देखिए दोस्तों इस साइड में ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है कैप्चर एंड सेव, आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पर सेव कर देना है। तो दोस्तों देखिए, आपका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से क्लिक हो चुका है जो आपकी गैलरी में आकर सेव हो चुका है, तो आप उसे अपने थंबनेल में यूज कर सकते हो। दोस्तों आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि वीडियो उल्टी चलती है, तो वो कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी वीडियो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें ऑप्शन आ रहा है रिवर्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए, आपकी वीडियो रिवर्स के लिए प्रोसेस हो रही है, यानी कि आपकी वीडियो उल्टी चलने लगेगी, तो अभी पूरी यहाँ तक हो जाएगी तो ये पूरी रिवर्स हो जाएगी, तो मैं इसे नहीं रहने देता हूँ। लेकिन आपको अगर रिवर्स चाहिए तो आपको ये पूरा प्रोसेस जो रेड कलर की लाइन आ रही थी आपको पूरा हो जाने देना है, तो आपकी वीडियो उल्टा चलने लगेगी। तो आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा दोस्तों कि बहुत सी वीडियो ऐसी होती हैं जिसमें उल्टा सब काम उल्टे होते हैं, तो वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं दोस्तों। दोस्तों रिवर्स कैसे करते हैं आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, और इससे पहले जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो भी आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट कैसे कर सकते हो। या दोस्तों जैसे कि मेरे इस वीडियो में जे सब्सक्राइब करने वाला जे एनिमेशन लगा हुआ है, अब जो मेरी वीडियो में काफ़ी जगह पर है, ये देखिए ये गेरा, ये गेरा, तो आप ऐसे बार बार एक ही जगह पर एक ही साया कैसे लगा सकते हो। सबसे पहले आपको दोस्तों लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के दोस्तों आपको मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाने के बाद आपको दोस्तों अपना जो एनिमेशन लेना है जैसे फोल्डर में, तो दोस्तों मैं ले लेता हूँ, मेरे इंट्रो में डाला हुआ है दोस्तों, देखिए ये रहा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो ग्रीन स्क्रीन वाला एनिमेशन है, तो आप इसे इसकी ग्रीन स्क्रीन कैसे हटा सकते हो, तो दोस्तों आपको करना है जब आप इसे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रोमा के का, ये देखिए दोस्तों ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हमारा जो ग्रीन कलर था वो सारा रिमूव हो चुका है, अब इसे ओके, अब इसे आप ओके कर दो। अब दोस्तों देखिए कि आप इसे नीचे कैसे कर सकते हो, छोटा कैसे कर सकते हो, तो आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एरो का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसे छोटा कर लेना है और इसे नीचे कर देना है। अब जे तो आपको दोस्तों सेट हो चुका है, ये देखिए सेट हो गया ये। अब दोस्तों आपको इसका डुप्लीकेट कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक बार लेयर में आगे से यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे तो आपको जब पूरी वीडियो में लगाना है थोड़ा थोड़ा गैप करके, तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है एनिमेशन पर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर थ्री लाइन, थ्री डॉट आ रही हैं इस साइड में, आपको इन थ्री डॉट पर क्लिक करना है। अब सबसे ऊपर जो ऑप्शन आया दोस्तों डुप्लीकेट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक कर दोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक डुप्लीकेट आ चुका है। अब आपको खाली ब्लैक जगह पर किसी भी कहीं पर भी क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने का दोस्तों आपको इनमें से किसी भी पे उंगली को कोशिश सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए रखना है, और रखने के बाद एक वाइब्रेट सा होगा, वो होने के बाद दोस्तों आपको इसे आगे कर आगे ले जाना है। आप जितने जिस भी जगह पे लगाना चाहते हो वहीं आप इसे छोड़ दो। तो दोस्तों देखिए जैसा आप वहाँ पे था वैसे ही अब यहाँ पे आने लगेगा, सेम उसी जगह पे उसी साइज का। अब दोस्तों फिर से आपको उसको डुप्लीकेट करना है, क्योंकि आपको और अपनी वीडियो में फिर से कहीं और लगाना है, तो फिर से आपको दोस्तों वही प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको इस पर क्लिक करना है, इन थ्री डॉट पर आना है, डुप्लीकेट पर आना है दोस्तों, फिर दो हो गए, फिर आपको ब्लैक जगह पर क्लिक करना है, फिर से आपको इनमें से किसी पर भी उंगली रख के आगे सरका के ले जाना है। तो दोस्तों देखिए आप इसी तरीके से सिर्फ एक बार अपने लेयर में आके अपने एनिमेशन को ला के उसे डुप्लीकेट कर सकते हो, चाहे कितनी भी बार।
दोस्तों आप इसी तरीके से एनिमेशन लगा सकते हो, चाहे वो आपका सब्सक्राइब का हो या फिर किसी और का हो, और आप किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट इसी तरीके से कर सकते हो, चाहे वो आप फोटो का करो या फिर एनिमेशन का करो। तो दोस्तों आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे, पहले पार्ट भी दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ बताया था और दूसरे पार्ट भी दोस्तों मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया है, क्योंकि दोस्तों जो नए यूट्यूबर होता है उसके लिए इतना ही बहुत काफ़ी होता है। तो दोस्तों नए यूट्यूबर के लिए जो मेन फीचर होते हैं दोस्तों वो मैंने इस पार्ट में और इससे पिछले पार्ट में दोस्तों दोनों पार्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं, क्योंकि दोस्तों जो नए यूट्यूबर होता है उसके लिए ये फीचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इतनी फीचर की उसको ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में। और जब आप इस कानमीटर को चलाना शुरू कर दोगे तो इसके जो बाकी फ़ीचर हैं जो शायद मुझसे छूट चुके हैं उनको आप कानमीटर को चलाते चलाते अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई चीज़ चलाते हैं तो उसको चलाते चलाते अपने आप सीख जाते हैं कि किस चीज़ का कैसे यूज़ करना है। अब दोस्तों फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी वीडियो रेडी हो जाए बनकर तो आप उसे एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, यानी कि सेव कैसे कर सकते हो अपनी गैलरी में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए दोस्तों इस साइड में यहाँ पे एक एरो का निशान आ रहा है सबसे ऊपर ये वाला, ये आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ से क्या करना है कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए वीडियो बना रहे हो तो आपको HD पे 720 PPI पे सिलेक्ट करना है, और इधर आपको 24 सिनेमा पर क्लिक करना है, यानी कि आपको ये दोनों सिलेक्ट कर लेने हैं, HD 720 और 24 सिनेमा, यानी कि ये दोनों आपको सिलेक्ट करने हैं। और नीचे आके दोस्तों इधर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 5.33, यानी कि आप 5.35 तक भी ले जा सकते हो, क्योंकि इस क्वालिटी में दोस्तों काफ़ी अच्छी वीडियो उनकी नज़र आती है। जब आप इसको सिलेक्ट कर लो फिर आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। जब आप इस पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देखिए आपकी वीडियो बनने के लिए रेडी होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही वीडियो जैसे ही दोस्तों ये लाइन आ रही है ये पूरी यहाँ तक हो जाएगी तो अपने आप दोस्तों आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, और फिर आप उसे अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप कानमास्टर को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप उसके अच्छे से फीचर को अपनी वीडियो में एड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने वो सारे फीचर बताए हैं जो पहले पार्ट में बाकी रह गए थे और जो नए यूट्यूबर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों कानमास्टर के बहुत से फीचर ऐसे हैं जो नए यूट्यूबर के दोस्तों बिल्कुल काम नहीं आते। तो जो फीचर उन लोगों के काम आते हैं जिनको नई नई वीडियो बनानी है, जिनका चैनल दोस्तों नया नया है एकदम, उन लोगों के हिसाब से दोस्तों जो भी बेसिक फीचर होते हैं कानमास्टर के वो सारे फीचर के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को भी आगे देख लो, आपको ये दोनों वीडियो अच्छे समझ में आ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखोगे तब तक आपको ये दूसरा पार्ट समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अच्छे समझ चुके होंगे कि आप कानमास्टर यूज कैसे कर सकते हो, कैसे आप कानमास्टर में अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो और उसे यूट्यूब के लिए रेडी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।